भारत के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो हो सकता है कहीं डिफेंस का बजट कम करना पड़ जाए, शायद आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, वो चीज आपको वो रास नहीं आएगी, इसीलिए शायद आप चाहते नहीं है, वरना नेशनल इंटरेस्ट है आपका भारत के साथ अटैच, और बल्कि हर उस मुल्क के साथ आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसके साथ आपका बॉर्डर है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इमरान खान साहब ने अमेरिका को भी तो एक लेटर लिखा है, मुझे डॉलर से याद आया कि उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर एक लेटर लिखा है कि उसका रिवाइवल वो कैसे करेंगे, वो प्लान उन्होंने अमेरिका को लिखा है ये बताया जा रहा है। नहीं, लेटर उनका किसने रिसीव करना है यहाँ पे, उनका इस वक्त अमेरिका तो खुद एक बिल्कुल एक गुमनाम साहब इस वक्त, ये देखे ना, उनको तो खुद नहीं पता चल रहा कहाँ जाना है, अमेरिका के हालात भी पाकिस्तान जैसे मिलते जुलते, यहाँ भी इनको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ, ये जरूर हो रहा है इस वक्त कि आप अमेरिका को, जो मैंने देखा है पिछले दिनों, मेरी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन किसी के साथ हुई थी कि अमेरिकन भी थोड़े जो डिप्लोमेटिक लेवल तक, वो भी दे आर वॉचिंग यू, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी जो जनरल मैसेज के अंदर है वो इमरान खान की है, लेकिन अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी के जो इस वक्त फीलिंग्स है, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल आया था, वो दे आर कीपिंग दैट इन देयर माइंड एज वेल, कि ही इज रैकलेस, ही इज नॉन ट्रस्टवर्दी, और दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी वरी है कि रेडिकलिज्म, हाथ में तस्बी है, पार्टी भी खुल के करनी है लेकिन साथ अमर बिन मारूफ का नारा भी लगाना है, ये उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना है क्या ये क्या किस साइड पे जा रहे हैं तो ये। लेकिन इस वक्त आरजू पाकिस्तान के हालात ये है, मैं रोजाना डेली बेस पे जब उठता हूँ और जजों के ग्रुप और उसके बाद मैं आपके सियासतदानों के बयानात, इमेच्योर स्पीचेस देखता हूं, तो लगता है कि आपकी तबाही जो है वो लिखी जा चुकी है, क्योंकि इन सारे इस शोर के अंदर सारा जो मजमा है लूटर्स का आपका, चाहे को एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जजेस हैं, चाहे सियासतदान हैं, जो कुछ भी, ये इस मजमे में से पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इस सारे मजमे में से किसी के पास इकॉनमी ठीक करने का कोई हल नहीं, इस सारे मजमे में से किसी के पास, किसी की ये सोच नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाना किस तरह है। गाने जरूर बना लेते हैं कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चे तो पढ़ा लो, अपने बच्चे तो सारे आंखों से अंधे हो चुके हैं, अपने बच्चे सारे तो भाई ट्वीट पे बैठे हैं, सिर्फ आंखों से अंधे हैं, कानों पे बह रहे हैं, इनको तो पढ़ाते नहीं हो, दुश्मन के बच्चे पढ़ाओगे तो अच्छा। फिर जब ये सारा सिलसिला है, मेरी ये क्वेश्चन हमेशा ही होता है, अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, पाकिस्तान बनाया तो साल बाद आपने पैसे मांगने शुरू कर दिए दुनिया में, पहले ट्रिप पे आप अमेरिका में आए उस पर पैसे मांगे, आपने इस्लाम बेचा, आपने कहा कि सोशलिज्म इस्लाम के खिलाफ है, हम तो आपका जमहूरियत को प्रमोट करेंगे, डॉलर दो भी डॉलर, 76 साल आपने डॉलर मांगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ जो अंधे लोग इस वक्त आंखें बंद करके अपने मुल्क को जलाने की तैयारी कर रहे हैं, कितने दुनिया के ममालिक हैं जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं, या कितना अरसा चल पाएंगे? बिल्कुल इसका जवाब किसी इस मजमे में किसी के पास नहीं है, बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको, आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहां पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे, ये 400-400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई, वो भी आंखों से अंधे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा है? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से, क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-6 हजार सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट है, और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कैनेडा में बैठे हैं। अब इस पे मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा, ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहां पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाजक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं, इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे यहां पे, ये तमाचे हैं हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तमाचे हैं ये।
इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं और हमारे 400-400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कसूर किसका है? सर जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों को। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं है। एचिसन आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस वक्त आपकी कौम का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचिसन से पढ़ा था, वो तो उसने वो तो एक दिन नहीं गया आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो एचिसन से पढ़ा, फिर वो यहाँ कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है। दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन, वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। आपको तबाह करने वाले तो सारे एचिसोनियन है। एचिसन का सिलेबस आपका पाकिस्तानी थोड़ी है, वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी ही है ना सर, तालिबानी माइंडसेट है इनका, जहां से मर्जी है पढ़ ले। नहीं, एचिसन से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैम्ब्रिज से इस्लाम को बेच रहे हैं। आपको ये नहीं पता, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बीह भेजो, इस्लामिक टच दो, इस्लामिक टच दे, ये इस्लामिक टच बेच रहे हैं, मार्केटर हैं, ये मार्केटर हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से कैमरे से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ, ये सीख कर गए और बेच रहे हैं, इस्लाम बिक रहा है। लेकिन सर ये जो बैठ के सर बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट और ये पीटीआई वाले कि जी इलेक्शंस के पीछे, और साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि जी वो जो फ्री आटा था उसमें भी बहुत करप्शन हुई है, बल्कि सबसे मैंने तो कल ट्वीट किया, मैंने कल ट्वीट ये किया कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस अ टफ और सिंसियर मार्शल लॉ इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान, और उसके साथ मैंने जो ट्वीट किया उसके कुछ 2-4 घंटे बाद मैंने खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट, सिमिलर स्टेटमेंट देखी। उन्होंने कहा कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कोई भी अगर गवर्नमेंट आ जाए वो डिलीवर नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, आपका फ्यूचर खत्म है, यू हैव बिकम अ नॉन गवर्नेबल स्टेट, और आपको अब रूल कौन कर सकेगा, कोई जूते के साथ रूल करेगा, थप्पड़ों के साथ, इसके अलावा कोई हल नहीं आपका। तो सर हम तो हमेशा से जूतों से ही रूल होते आए हैं, अभी तक तो ये डिक्टेटरशिप ही रही है। बिल्कुल, इस वक्त पॉइंट आ चुका है कि ये खाकान अब्बासी साहब है, वो भी फॉरेन ग्रेजुएट है, अमेरिका की डिग्री है उनके पास, यूपेन से पढ़ के गए, उस बंदे की स्टेटमेंट है और बहुत वैलिड स्टेटमेंट है उस बंदे की कि यू हैव प्रूवन योरसेल्फ अ नॉन गवर्नेबल सोसाइटी और अ कंट्री, और जब आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं उसके बाद आपको जानवरों की तरह हांका जाता है, गौर नहीं किया जाता, और वो हांकते कौन है, जिनके हाथ में डंडे होते हैं, जूते होते हैं जिनके हाथ में, अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितना वो एचिसन का मटीरियल था, जितने वो ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हार्वर्ड की हैं, जितने वो इस्लाम बेच रहे हैं, जो आपको कानून बेच रहे हैं, जो बेंच बेच रहे हैं, वो सारा कुछ जो कर रहे हैं वो सारा फेल हो चुका है, सारा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, मैं चैलेंज करता हूं इस वक्त सबसे, एक जब बेंच अनाउंस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, दुनिया को फौरन पता चल जाता है इसका फैसला क्या होगा। एक जज अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसले दे रहा है जिसके ऊपर 6 करप्शन के रेफरेंसेस मौजूद हैं, 6 करप्शन के 6 फैसले हैं, रेफरेंसेस हैं, और ही स्टिल सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, और उसको और लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है, वो सजाए मौत दे रहा है लोगों को फांसियां दे रहा है। तो इस इन सर्कमस्टांसिस में आरजू अब टाइम आ चुका है मेरे ख्याल में आपके, सिर्फ यू द ओनली वे यू कैन सर्वाइव विद थप्पड़ों और जूतों के साथ, कोई और। लेकिन सर हर बार जो है वो डिक्टेटरशिप या फौज यही कहकर आई है, और लोग ये भी कहते हैं कि मौका ही नहीं दिया जाता जो बाकी गवर्नमेंट होती है, ये देख ये मौका, ये जो सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी डेमोक्रेसी आप, ये जो सारे हैं ये फौज के तो बच्चे हैं सारे आपके। इमरान खान से पूछे फौज के बगैर इसको कौन जानता था 2018 में, वही तो लेकर आए इसको, इस फौज के बगैर इसका कौन सा गुजारा है। जुडिशरी सारी आप आजम रजीद ताड साहब कह चुके हैं कि मैं जनरल बाजवा पे कह के जूनियर जजों को मैं प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट वोट देना पड़ा, तो फिर ये सारा सिस्टम देखे ना, सारा सिस्टम उनका है,
वो अंडे दें तो बच्चे सर अभी को, भी, सर अभी भी तो फिर इसका मतलब है एजेंसी से चला रही है ना मुल्क वही को। है। लेकिन ये जो चीखो पुकार है ये तो बंद हो ना। ये जो बच्चे पेट्रोल के डब्बे हाथों में लेके फिर रहे हैं, पेट्रोल बम लेके फिर रहे हैं, जो कहते हैं मुल्क जला के पार्टी करना चाहते हैं, इनसे तो जान छूट जाएगी ना, ये तो अपने घरों में चले जाएंगे वापस। ये जो लास वेगस बना हुआ है जमान पार्क के अंदर, वो तो बंद हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, आज भी वही चला रहे हैं। आरजू आप इस वक्त भी उनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती पाकिस्तान में, ये तो अंडरस्टूड है। अदालतें भी उनकी है, असेंबली भी उनकी है, हर चीज उनकी है। लेकिन ये जो लौंडे लपाड़े हैं जिनके हाथ के अंदर पेट्रोल और माचिसे हैं, ये तो सुकून से घर चले जाएंगे ना, सिर्फ यही फायदा होगा और कोई फायदा नहीं। और हाँ ये है कि एक पार्टी खाएगी ना, अब तो हर बंदे ही खा रहा है ना, अब तो लुट पड़ी है ना जी, अब तो थाने वाला सिपाही हर बंदे ही खा रहा है, पटवारी भी खा रहा है, सियासतदान भी खा रहा है, पाकिस्तान को जिस तरह भंभोड़ भंभोड़ के खा रहे हैं उस चले उसमें कोई एक पार्टी खाएगी, ढंग से खाएगी, पढ़े लिखे तरीके से खाएगी, अब तो जानवरों की तरह उसको भंभोड़ भंभोड़ के खत्म कर रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन सर जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उस पार्टी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज नहीं तो ये हाल किया है पाकिस्तान का। हाँ, और तो वो फिर आ वो जाएंगे, फिर डीएचए बनाएंगे, फिर पैसा खाना तो नहीं छोड़ेंगे। आज भी तो अभी महीना पहले 45,000 acres उनको दी गई। हाँ वही तो मैं तो आपको कह रहा हूँ आरजू के, आज भी इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, उनकी मर्जी के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। सर एनआर अंबानी खर और शहबाज शरीफ साहब की भी एक ऑडियो लीक आई थी, उसमें वो जो बात कर रही थी कि अमेरिका जाए, कहां जाए, रूस जाए, कहां जाए, उन्होंने कहा जहां पर सस्ता टिकट मिल जाता है वहां चले जाओ। उनका यही जवाब था, भैया जहां से पैसे मिलते हैं और जहाज सस्ता टिकट है वहां चले जाओ। उन्होंने ये क्या कहना था उनके, देखिए खैरात ही मांगनी है, कहते जहां से मिल जाए, कहते हैं किसी अमीर के घर से मिल जाए या किसी ठेले वाले से मिल जाए, खैरात ही जो मांगनी है आपने, और क्या करना है आप। दुख के साथ मैं ये कहता हूं कि किसी जो आपके डिसीजन मेकर है, सबके बच्चे तो लंदन बैठे हैं, वो आपके बच्चों को क्यों सोचेंगे, क्यों सोचेंगे, वो क्या तकलीफ है। लेकिन सर एक चीज, सर देखिए एक चीज मैं आपकी नहीं समझ पा रही सर, अगर अभी भी एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है तो फिर पॉलिटिशियंस का क्या कसूर है, और अगर ये मुकम्मल तौर पे सामने खुल खुला कर आ जाते हैं तब भी पाकिस्तान को क्या बचाएंगे, यही होगा जो पहले लूटमार चल रही थी वही चली। मैं समझा ये रहा हूँ सिर्फ आपको कि चला तो इस वक्त भी रहे हैं वो, लेकिन ये साथ ये ड्रामा क्या है सामने, ये अमल बिलमारूफ का ड्रामा क्या है, ये रेडिकलिज्म, ये बच्चे सड़कों पर रोजाना जूते खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं बिल्कुल, ये घर चले जाएंगे शायद पढ़ाई पर तवज्जो देनी शुरू कर दें। मैं तो यही कह रहा हूँ, चला तो इस वक्त भी वही रहे हैं। और फिर दूसरी एक और बात है ना, अगर वो खुल खुला के सामने आ जाएंगे तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि थोड़ी रिश्वत में करप्शन में थोड़ी कमी आ जाए। इस वक्त तो फिर मादर पिजर आजाद है, कोई पता ही नहीं ना कि उस कालीन शॉट सारे लूट रहे हैं ना इस वक्त। और मैं बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है एक पार्टी लूटे, अगर लूटना है ये सारे लूट रहे हैं ना इस वक्त। तो देखा उसमें आरजू बात ये करने वाली है इस वक्त, ये जो इस वक्त अच्छा फिर दूसरा दुनिया के लिए बेहतर हो जाएगा, उन्हें पता होगा कि किससे बात करनी है। अभी भी तो जाके पैसे मांगते हैं तो हमारे आर्मी चीफ साहब पैसे मांगते हैं, तो फिर वो लोगों को पता चल जाएगा भी कॉल किसको करनी है। अब तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मोदी जी ने कॉल करनी हो उन्हें किसे, उन्हें पता ही नहीं किसको किससे बात करनी है। देखे ना कोई मैसेज भेजना हो यार कि ये बात आपसे करें, कई दफा अपना इजहार कर चुके हैं, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं बात किससे करें भाई। तो ये क्लियर हो जाएगा ना यार मियां वो फलां जगह कॉल करनी है, उससे बात कर लो, अभी क्या करना है। तो अब तो कंफ्यूजन है, ये कुछ फायदे हैं उसके, मैं ये कह रहा हूँ। और इस वक्त तो एक मैं अगर देखें आजू अगर देखा जाए तो इस वक्त बात आपकी ठीक है बिल्कुल, रूल वही कर रहे हैं क्योंकि पैसे भी तो वही मांग के ला रहे हैं ना, बिल्कुल चाइना से सऊदी अरेबिया से वही मांग के ला रहे हैं। ये दूसरा ने तो कह दिया अभी मैं फोन करता हूँ मेरा फोन ही नहीं उठाते, तो फिर अगर जजेस को भी तो अभी खामोश करा है ना सर, जजेस को भी तो अभी खामोश करा है ना, एक मीटिंग हुई थी ना आर्मी चीफ से फिर चुप हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर इनको दूसरों को फारिग करें, अपने लंदन जाए, अपना कारोबार करें, खान साहब अपने बच्चों शच्चों को टाइम दें जाके, अपने वो सीता वाइट की बच्ची है उसको देखें, उसका क्या करना है, उसकी शादी करनी है कि नहीं करना, क्या करना है खुद देखें, शादी और करनी है, पिछली रखनी है, क्या करनी है, अपना जो उनका काम कारोबार है उस पर तवज्जो दें, कोई अपना कोई दो चार हॉस्पिटल और बना दें, दो चार यूनिवर्सिटियां और बनाएं, चंदा शंदा मांगे वो अपना काम करें, शरीफ फैमिली अपने जाके कहीं स्टील मिल वगैरह लगा लें, अपने कारोबार करें, जरदारी साहब अपनी दो चार शुगर मिलें और बना लें, अपना अपना कारोबार जो इनका है वो करें,
अगर ये हमारे आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले भाई, तो दुनिया को भी सुकून आ जाएगा, बच्चे पढ़ाई पे करेंगे, जो सारा दिन वहां जमान पार्क के बाहर सीटियां बजाते फिर रहे, इनको कहीं स्कूलों में जाएं, हमारा फिर रहे सारा दिन। तो ये दर हकीकत इस वक्त आपके हालात बहुत खराब हैं। और आपको आज मैं सब आपके शो से पहले देख रहा था कि आपके 40 साल का रैकेट महंगाई ने तोड़ा है आज ऑलमोस्ट 38% आपकी जो है वो महंगाई ऊपर जा चुकी है। और इन सर्कमस्टांसेस में गरीब क्या कर रही हो, और उस पर फिर क्या है साथ आप उनको बता देते हैं, आओ भाई पीटीआई के लिए तबलीग करें आप, तबलीग ये कहते हैं तो सर ये तो ये भी जिहाद बता रहे होते हैं। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बता रहे थे कि जिहाद है और हम तो भारत के दरवाजे तक उनको ले जाएंगे, उन्होंने कहा भी जाएंगे, वो भी पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने तिवल बजा दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो घुस जाएंगे अंदर, घुस पहले पता नहीं किसने रोका हुआ इनको घुसने से, भाई घुसो जाके, मैं तो कह रहा हूँ